औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अब्रार। तमाम तारीफें उस रब कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम काबा कौसैन और साहिब मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुलहाए नात और मैं हूँ सहर आज़म। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, नबंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है, कि बात अब तक बनी हुई है। अगर बात करूँ नाज़रीन मैं इस शेर की, तो बरसों से नात ख्वानों की ज़ुबानों पर सजी और करिया करिया गली गली में गूंजने वाली इस लाजवाल नात के लिखने वाले मशहूर व मारूफ शायर जनाब खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी को आज हम खराज तहसीन पेश करने के लिए ख़ास प्रोग्राम कर रहे हैं। और खालिद महमूद खालिद साहब के हवाले से अगर बात करूँ नाज़रीन, तो आप चकवाल में 1941 में पैदा हुए और 11 साल की उम्र में आप कराची तशरीफ़ ले गए। आपने नात ख्वानी से अपने सफ़र की शुरुआत की और जब नात गोई का आगाज़ किया तो आसमान नात पर ऐसे चमके कि इस आबोताब से हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को जगमगा दिया। खालिद साहब की इनातिया अदब में अगर खिदमात की बात करें तो यकीनन उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। उनकी लिखी हुई हर नात में मोहब्बत, अकीदत, आजजी, इनकिसारी और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग नज़र आता है। उनके नातिया मजमू की बात करूँ तो चार नातिया मजमू हैं। पहला करारे जां, दूसरा कदम कदम सजदे, तीसरा हुस्ने अजल और चौथा सेले तजल्लियात हैं। उनके लिखे हुए लातादाद कलाम नाज़रीन ऐसे हैं जो ना सिर्फ रेडियो टेलीविज़न पर नशर हुए बल्कि उनके पढ़ने वाले भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। जनाब खालिद महमूद खालिद साहब आज हमें मौजूद नहीं, मगर उनकी लिखी हुई नातों के ज़रिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। तनवीर फूल ने उनकी वफ़ात के मौके पर यह कता लिखा कि एक नुमाया नात ख्वां और नात गो थी उनकी ज़ात, एक नुमाया नात ख्वां और नात गो थी उनकी ज़ात, पढ़ते और लिखते रहे वो नाते महबूब खुदा, पढ़ते और लिखते रहे वो नाते महबूब खुदा, फूल कह दे गुलशन मिदहत में तारीख अजल, फूल कह दे गुलशन मिदहत में तारीख अजल, नक्शबंदी खालिद महमूद औज अस्तफ़ा, नक्शबंदी खालिद महमूद औज अस्तफ़ा। जनाब खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी साहब की शख्सियत पर बात करने के लिए आज मेरे साथ कौन मेहमान मौजूद हैं, उनके कलाम भी हम यकीनन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बढ़ रही हूँ मेहमानों की जानिब। मेरे पहले मेहमान आप सभी इन्हें पसंद करते हैं और आज हम इनसे खालिद महमूद खालिद साहब की हालात ज़िंदगी, उनके फ़रोग़ नात के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं और मज़ीद बात हम करने की सआदत हासिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और क्योंकि ज़ाहिर है नातगो शायर, तो उनके नाते भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और सनाखा मेरे साथ मौजूद हैं, आप सभी ने बहुत पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नौरीन फ़ाइस और मोहतरमा अंबर अशर। आप दोनों मेहमानों की आमद का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप अगर आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगी तो क्यों ना हम सबसे पहले बात करें खालिद महमूद खालिद साहब के बचपन की, क्योंकि हम देखते हैं कि किरदार साजी की जब बात हो तो बचपन का दौर बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो उनके बचपन से अगर बात शुरू करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम नात गो शायर उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल उलमा, उस्तादुश शुरा, उस्तादुल कुरा, अच्छा, खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी, माशाल्लाह एक बड़ा अजीम नाम नात गो शुरा में। आप देखें तो जैसे आपने बचपन का बताया उनका कि 1941 में आप चकवाल में पैदा हुए, आपके वालिद गुलाम हैदर मेहरवी पीर मेहर अली शाह साहब से बैत थे, अच्छा। और उनके पास बहुत कसरत से उनका आना जाना था। तो कम सिनी में ही आप देखें तो जो औलियाए उज़ाम से वाबस्ता होते हैं उनमें एक नात गोई का एक जज्बा पाया जाता है, तो उन्होंने अपने कम सिन बच्चे को भी नात गोई सिखाई। तो आप जब बचपन में नाते पढ़ा करते थे तो उसका भी अजीब रंग था। आप ये यहां पे देखिए कि नात ख्वानी तो सिखाई जाती है, नात गोई सिखाई गई।
आगाज से ही बिल्कुल, क्योंकि आपके वालिद साहब बहुत एक ज़ौक वाले थे, तो यही रंग आपके नज़र आता है। आप ने बहुत से असातिज़ा से आपने फैज़ हासिल किया, आपके बारे में आता है कि 14 मशाइख ने आपको खिलाफत अता की। ख़ुसूसी तौर पर आपने शर्फ़ बैत जो है वो मुफ्ती महमूद अलवरी हैदराबाद से शर्फ़ बैत हासिल किया, मगर बाकी असातिज़ा से और मशाइख से भी आपने फैज़ ज़रूर हासिल किया। नात गोई में आपके वकार सिद्दीकी अजमेरी साहब आपके शायर ठहरे, जिन्होंने आपको उस बहर और औजान और उससे आपको उसके असरार और रमूज से आपको आगाह किया। तो आपके बारे में आता है कि चूंकि आपको नात का एक शुरू से एक शौक था, जज्बा था, और फिर कुरान मजीद की किरात का आपको बहुत शौक था, तो इन दोनों फनून में आपकी एक महारत हासिल। और फिर आप देखें तो साजुल असातिज़ा कहते हैं कि आपके जो शागिर्द थे वो कितने असातिज़ा बने, और वो उनसे कई लोगों ने फिर फैज लिया। इवन ये कि कई गद्दी नशी ऐसे पाए जाते हैं कि जिन्होंने खालिद महमूद खालिद साहब से फैज पाया। तो खालिद महमूद आपका ज़ाती नाम है, खालिद आप तखल्लुस किया करते थे, चूँकि नक्शबंद सिलसिले से आप बैत हुए तो इसलिए आपको खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी कहते हैं, कहा जाता है। क्या बात है। और इनकी शख्सियत के यकीनन बहुत से ऐसे पहलू भी हमारे सामने आ रहे हैं जिनसे हो सकता है हमारे कुछ नाज़रीन वाकिफ़ ना हो, तो उस प्रोग्राम के ज़रिए वो उनके इस पहलू से भी वाकिफ़ हो रहे हैं कि उस्तादुल कुरा भी थे माशाल्लाह। तो बढ़ते हैं उनके कलामों की जाने पर, आगाज़ करेंगे खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी साहब की लिखी हुई हम्द से, पढ़ने की सआदत हासिल करेंगी नौरीन फ़ाइज़। सबका खालिक मालिक तू अल्लाह, सबका खालिक मालिक तू अल्लाह अल्लाह, तुझसे आलम रंगो अल्लाह अल्लाह, तुझसे आलम रंगो अल्लाह 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 अल्लाह, तू ही नज़दीक है तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शहरग से नज़दीक है तू अल्लाह 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 अल्लाह। आपा खालिद साहब की लिखी हुई हमद में उन्होंने खुद ही कह दिया कि अल्लाह इज़्ज़त देता है, और आप देखिए कि खालिद साहब को किस कदर इज़्ज़त, कितना मुकाम और कितना बुलंद मर्तबा मिला, और ये कितनी अहमियत की बात है कि माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में ही उनके काम को इतना सराहा गया। ये देखिए कि अक्सर तो ऐसा होता है ना कि लोगों के जाने के बाद उन्हें याद किया जाता है, मगर उनकी ज़िंदगी में उनको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त, इतना मकाम और इतना मर्तबा दिया, क्या कहें। बेशक देखें, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे। तो उनकी एक खूबी ये है कि उन्होंने अपने सारे फ़न को हमद और नातों के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल, गज़ल का उसलूब अपनाया, मगर अपना कलाम सारे का सारा आप देखें इंतहाई एक आम सादा लैंग्वेज को इस्तेमाल किया, जिससे फौरन दिलों पर असर करती है, बात समझ में आती है, और बंदे को यूं लगता है कि जैसे ये मेरे ही दिल की आवाज़ है। शायरी से उन्होंने अपने कलम को आलूदा नहीं किया, बिल्कुल नातों के लिए मखसूस किया। हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ कि शायरी उन्होंने सारी की सारी हमदिया और उसमें नातों में इस्तेमाल किया, और आप गौर करें तो बहुत सादा अल्फाज है, बहुत आसानी से समझ आने वाले, और एक मोहब्बत में गुंधे हुए। हाँ बिल्कुल, वो मोहब्बत की चाशनी ही उसे पुरतासीर बनाती है।
आज जो उनके कलाम फौरन ज़बान पर चढ़ जाते हैं, एक शोहरत उसे मिल जाती है, बच्चा बच्चा पढ़ने लग जाता है। हमारे दिल की बात कही है शायर ने ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो चूंकि जबान भी वो सादा सी है और मोहब्बत और अकीदत का रंग नजर आता है, इसलिए वो इतना मकबूल हो जाता है कलाम फौरी तौर पर। बिल्कुल, यानी जो उनका उन्होंने ज़बान बयान का ख्याल रखा कि वो इतना सादा हो और इतना आसान हो कि तालीम आला तालीम याफ्ता लोगों से लेकर कम पढ़ा लिखा तबका भी उसको बहुत आसानी से समझ लेता है और उसकी ज़बान पे जारी हो जाता है। आम और खास दोनों में मकबूल हो जाता है, हर कोई अपने अंदाज से उससे रंग लेके चला जाता है। बिल्कुल जनाब, और खालिद महमूद खालिद साहब की याद में आज हम ये खुसूसी प्रोग्राम गुलहाए नात का कर रहे हैं। मेरे साथ अंबर अशरफ भी मौजूद हैं, नौरीन फ़ाइज़ भी मौजूद हैं। खालिद महमूद खालिद साहब के नातिया कलाम प्रोग्राम में शामिल करेंगे मगर इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। दिल को सुए नबी कर लो, दिल को सुए नबी कर लो, आओ तकमीले बंदगी कर लो, आओ तकमीले बंदगी कर लो, जिक्र सरकार के जला कर दिए, जिक्र सरकार के जला कर दिए, दिल के आंगन में रोशनी कर लो, दिल के आंगन में रोशनी कर लो, और मौजे तूफ़ान पनाह मांगेगी, मौजे तूफ़ान पनाह मांगेगी, नक्श कश्ती पे या नबी कर लो, नक्श कश्ती पे या नबी कर लो, और हासिले बंदगी है ये खालिद, हासिले बंदगी है ये खालिद, तुम तवाफ़े दरे नबी कर लो, तुम तवाफ़े दरे नबी कर लो। खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी की लिखी हुई नात सुनने की सआदत हासिल करेंगे ब्रेक के बाद। पहले तो अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं, बढ़ूंगी अंबर अशरफ की जानिब। खालिद साहब की लिखी हुई नात पेश कर दीजिए। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं, कोई दे अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इसमें अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। क्या कहने हैं, और इससे पहले कि नौरीन की आवाज़ में नात शामिल करूं, अंबर मुझे आप बताइएगा, ज़ाहिर है हम ये बात करते हैं कि खालिद साहब की लिखी हुई नातें पढ़कर बहुत सारे नात ख्वां शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे हैं, और मैं समझती हूं कि शायद ही कोई सना ख्वां ऐसा हो कि जिसने उनका लिखा हुआ कलाम पढ़ने की सआदत हासिल नहीं। बिल्कुल, बेशक। माशाल्लाह आपने भी उनके कलाम पढ़े, तो जो शोहरत आपको मिली है वो तो सभी जानते हैं, इसके अलावा आपने उनके कलाम से क्या हासिल किया, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं सहज सबसे बड़ी बात, जो एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के दरबार की हाजिरी, हाँ।
वो मुझे अल्लाह ताला ने खालिद महमूद के जो कलाम है उसको उसका जरिया बनाया। अच्छा, ये मेरे ऊपर सबसे बड़ा करम परवरदिगार का सबसे बड़ा। और किसकी बदौलत हुआ? बेशक खालिद महमूद सिद्दीकी, खालिद महमूद नक्शबंदी का जो कलाम है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको बहुत बड़ा जरिया बनाया है मेरे लिए, इतने बड़े दरबार की हाजिरी। उनकी लिखी हुई नात नाजरीन जब किसी और सनाखा ने पढ़ी तो उसको देखें कि ये शोहरत भी मिली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी भी किस तरह नसीब हुई कि कहीं और किसी को बताया गया कि इन जंजीरों को खोलना है तोड़ना है, तो फिर खुद खालिद साहब की क्या दर्जात का आलम होगा ये मैं और आप तस्वुर ही कर सकते हैं। जी नौरीन, आपके जाने बढ़ूँगी और चाहूँगी कि आपकी आवाज़ में भी एक नाच शामिल करके फिर आपा की जाने पाऊँगी। صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا रही है। आपा, अभी हम बात कर रहे थे खालिद महमूद खालिद साहब की लिखी हुई नातों की, तो आपा क्यों ना आप हमें कुछ इससे मुतालिक तफसील बता दें कि उनके नातिया मजमू की तादाद कितनी है और कौन कौन से हैं और फिर उसका मौजू ज़्यादातर हमें क्या मिलता है। देखिए, शुरू में भी आपने जिक्र किया तो चार मजमू नातिया कलाम के मिलते हैं जिनमें करार जहाँ हैं, उसने अज़ल है, कदम कदम सजदे, और आप इनके नामों पर गौर करें, नाम भी बराह रास्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ एक इशारा करते हुए मिलते हैं। उसने अज़ल फ़कत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं, मज़हर कामिल वही हैं, कदम कदम सजदे, गोया एक लफ्ज़ भी सजदे करते नज़र आते हैं अकीदत से, मोहब्बत से, बड़े चुन के जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल बिल्कुल। करारे जहाँ, करारे जहाँ कौन है? फ़कत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ाते मुबारका। और फिर चौथे मजमूआ है सहले तजलियात, के तजलियात की वो फुहार पड़ती रहती है और नातिया शायरी होती रहती है। फिर आप उनके नातिया कलाम पर गौर करें तो कहीं तो वो कहते हैं वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो दिखाएं अपनी तजलियाँ, एक आरजू मिलती है, एक ख्वाहिश मिलती है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम वो करम फरमाएं, उनके रुख अनवर देखूं। तो फिर आप बाद में आप नातिया कलाम पर गौर करें तो जैसे अभी अंबर ने पढ़ा, गम सभी राहत व तस्की में ढल जाते जब करम होता है, हालात बदल जाते। बल्कि आप ज़्यादातर उनके नातों का मौजू मैंने गौर किया तो उनको नस्बत पे बड़ा फ़ख्र है, नस्बत का बड़ा जिक्र करते हैं और फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रे करम उन्हें हर कदम पे चाहिए। ये कलाम सारे के सारे ये बताते हैं, बजाते खुद गवाही देते हैं कि ये कलाम मकबूल बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकबूल ना हो तो इतना वो कैसे हो? जैसे अंबर बता रही थी कि एक जाहिरी ये हुआ कि हाजिरी मिली, जो रूहानी फैज है और जो बबाते नूर आता है उन कलामों
कि पढ़ लेने से और जो तवज्जो से मोहब्बत से अकीदत से पढ़े उसका उसके असरात लाजमी तौर पर रूह पर पड़ते हैं, कल्ब पर पड़ते हैं। फिर मैं वो बात कर रही थी कि गोया नात खुद बोलती है कि जब एक बार उन वो आरजू कर रहे हैं कि वो अपनी तजलियात दिखाएं और आगे वो कहते हैं करम आज बाला है, अरे उनकी निगाह करम की पड़ते हैं, वो करम करते हैं तो तभी लिखा जाता है वरना नहीं। माशाल्लाह, करम आज बाला बाम आ गया है, जबाँ पर मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नौरीन, आपकी आवाज़ में नात शामिल करेंगे। जब मैंने नात खानी का आगाज़ किया तो मैंने इसी नात से किया कि करम आज बाला बाम आ गया, क्योंकि पहले बच्चों को छोटे बहर की नाद याद कराई जाती है कि बहुत जल्दी। आप अपने बचपन की बात बता रही हैं कि जब आपने बचपन से आगाज़ किया। मैंने रेडियो पाकिस्तान से अपने नात खानी का आगाज़ किया था तो सबसे पहले मैंने नात यही पढ़ी। अच्छा, यानी क्योंकि सबसे पहली नात आपने ये पढ़ी तो फिर वो कहते हैं ना कि माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा कलाम का भी तो एक रंग होता है ना, फिर रंग ऐसा लगता है कि बेशक गर्म हो गया। करम आज बाला बाम आ गया है, करम आज बाला बाम आ गया है, ज़बाँ पर मोहम्मद का मोहम्मद का नाम आ गया है, और मेरे पास कुछ भी न था रोजे महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोजे महशर, मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बाला करम आज बाला बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हमने एक खसूसी प्रोग्राम मरतब किया है, मज़ीद नातें शामिल करेंगे मगर इस मुख्तसर से ब्रेक। करम की जोत जगानी के बाद आई हैं, करम की जोत जगानी के बाद आई हैं, वो जुल्मतों को मिटाने के बाद आए हैं, वो जुल्मतों को मिटाने के बाद आए हैं, और अजल से उनके गुलामों में है शुमार मेरा, अजल से उनके गुलामों में है शुमार मेरा, वो मुझको अपना बनाने के बाद आए हैं, वो मुझको अपना बनाने के बाद आए हैं, अजल से रहमते कौनैन हैं वही खालिद, अजल से रहमते कौनैन हैं वही खालिद, तमाम अजमतें पाने के बाद आए हैं, तमाम अजमतें पानी के बाद आए हैं। ब्रेक से वापसी पर अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहती हूँ और बढ़ूँगी अंबर अशरफ की जानिब। अंबर, खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी की लिखी हुई अपनी कोई पसंदीदा नात प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। दरवाजे पे लिखा
खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी साहब की लिखी हुई लातादाद नातें हैं कि जो जैसे कि आपने कहा मकबूल भी हैं यकीनन और मशहूर भी हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम में जितनी नातें हम शामिल कर सकते हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, जिनकी फरमाइश भी की जाती है और सुना भी बहुत जाता है, पढ़ा भी बहुत जाता है, तो हम पर एक और नात अगर मैं आपसे कहूँ कि शामिल कर दें तो कौन सी नात पेश करेंगे आप? चलो दयार नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा के, क्या खूबसूरत तरीक़ा बताया शायर ने। चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दुरूद रब पर सजा सजा कर, बाहर लूटेंगे हम करम की, बाहर लूटेंगे हम करम की, दिनों को दामन बना बना कर, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, अमल है मेरी इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, यही असासे अमल है मेरी इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, समेटता हूँ करम खुदा का, समेटता हूँ करम खुदा का, नबी की नाते सुना सुना कर, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं। माशाल्लाह क्या बात है। आप यहाँ पर हम बात कर रहे थे उनकी लिखी हुई नातों की कि यकीनन इतनी मशहूर हैं कि दुनिया के हर खित्ते में सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, पसंद की जाती हैं आप, लेकिन हम अगर उनके ज़िंदगी पे नज़र डालें तो हम देखते हैं कि उन्होंने ख़ुद को सिर्फ नात गोई तक महदूद नहीं रखा बल्कि फ़रोग़ नात में भी उनका बहुत अहम किरदार है, इससे मुतालिक आप क्या तफसील बताएंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, एक मोहब्बत रसूल रखने वाला शख्स, एक मोमिन जो है वो एक बजाते खुद एक अंजुमन बन जाता है कि जिससे खुद ब खुद एक फरोग मिल रहा होता है, तबलीगे दीन का काम हो रहा होता है। आप देखिए, अलामा इकबाल ने अपने कलाम के जरिए सोई हुई कौम को जगाया, और हम खालिद महमूद खालिद साहब के उस कलाम पर निगाह डालें तो एक मोहब्बत रसूल की जोत जगाते चले जाते हैं, और इतने जैसे आपने कहा कि एक आलमगीर शोहरत मिल जाती है, बच्चों के लबों पर आ जाता है ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। तो खसूसी तौर पर आपने हल्के जिक्र हबीब कायम किया, एक तंजीम बनाई जिसके जरिए पूरे पाकिस्तान में महफिल नात का इनेकाद किया जाता था। इसी तरह एक और अंजुमन अंदलीबान रियाज़ रसूल के नाम से 17 साल तक आप जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, ये भी फ़रोग़ नात के लिए एक बड़ा मुअस्सर कदम ठहरा कि जब इतनी ज़्यादा इतराज़ात की दुनिया आ रही हो तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है कि उस नात के लिए कदम उठाया जाए अमली तौर पर। फिर आपकी उस खिदमात की एजाज़ में आपको गवर्नर सिंध ने कौमी हीरो करार दिया। फिर इसी तरह से एक ताज कॉरपोरेशन वालों ने आपके सोने का ताज पहनाकर आपकी ताजपोशी की, गोया आपको खराज तहसीन पेश किया आपकी उन खिदमात पर। मैं ये कहती हूँ कि आपकी नातिया कलाम ही एक तबलीग दीन का जरिया बन जाता है, क्योंकि दीन और ईमान की बुनियाद ही नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है जो आपकी एक एक शेर से झलकती नजर आती है। तो तबलीग दीन में एक आपका किरदार आपके मजमूए नातिया कलाम के जरिए, आपके शागिर्दों के जरिए, उन अंजुमन के जरिए और आपके कलाम के जरिए एक फरोग नात का सिलसिला जारी व सारी है, और इंशाल्लाह
आप उन लोगों में से रहेंगे जिनका जिक्र बाकी रहेगा, जिनकी नातें पढ़ी जाती रहेंगी। और वही बात कि आप जो आपने दुनियावी एजाजात का भी जिक्र किया, और यकीनन एक नात गो शायर के लिए सबसे बड़ा एजाज तो यही है कि उनकी नातें जो है वो रहती दुनिया तक पढ़ी जाती और नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और ये कबूलियत की एक नवीद है कि आज तक पढ़ा जा रहा है और कोई नात खां ऐसा नहीं जिसने ना पढ़ा हो उनका कलाम। बेशक बेशक ये बिल्कुल इस बात पर गवाही है कि उनके कलाम यकीनन मकबूल है। नौरीन, आपकी जानिब आऊँगी और एक नात जिसका प्रोग्राम के शुरू से लेकर अभी तक हम बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये बुर्खता की किस्मत, अता किया बातें। और नाज़रीन, एक और नात उनकी बहुत मशहूर, हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए, अगर आप दोनों मिलकर ये नात पेश कर दें। हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसे वैसी अता चाहिए, आपके इश्क में हम तड़पते तो हैं, आपके इश्क में हम तड़पते तो हैं, तड़प में बिना रहिए।
आप दोनों सना खानों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पे आपने बात की, मुझे और मेरे नाज़रीन को यकीनन बहुत कुछ मज़ीद जानने का मौका मिला। ये नाज़रीन एक नात की जिसकी बार बार बात हो रही है कि कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। अगर सिर्फ मैं इसी एक मिसरे की ही बात करूं नाज़रीन, तो बिला मुबालगा इस मिसरे ने आलमगीर शोहरत हासिल की है। बड़े हों या छोटे हों, अपने हों या पराए हों, सभी यही कहते नज़र आए कि ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। और उनकी रहलत से यकीनन दुनियाए नात में नाज़रीन जो खला पैदा हुआ है वो कभी पुर ना हो सकेगा। नात की तारीख में उनका नाम सुनहरी हरफों से जगमगाता रहेगा। दुआ है प्रोग्राम के अख्तिताम पे कि अल्लाह ताला नात के चिरागों से उनकी लहत को मुनव्वर फरमाए। उनकी लिखी हुई नात के चंद अशार पर प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगी कि मुँह नहीं देखता रुसवाई का मंगता तेरा, मुँह नहीं देखता रुसवाई का मंगता तेरा, ये करम है मेरे आका मेरे मौला तेरा, ये करम है मेरे आका मेरे मौला तेरा। और जिन पे निस्बत ने तेरी रंग जमाया अपना, जिन पे निस्बत ने तेरी रंग जमाया अपना, देख लेते हैं वो घर बैठ के रोज़ा तेरा, देख लेते हैं वो घर बैठ के रोज़ा तेरा। और रास्ता कौन दिखाता मेरी मंजिल का मुझे, रास्ता कौन दिखाता मेरी मंजिल का मुझे, हर कदम साथ ना होता जो उजाला तेरा, हर कदम साथ ना होता जो उजाला तेरा। और कुछ नहीं इसके सिवा सारे सहारों का वजूद, कुछ नहीं, कुछ नहीं इसके सिवा सारे सहारों का वजूद, हर सहारे का सहारा है सहारा तेरा, हर सहारे का सहारा है सहारा तेरा। और आखिरी बात कि जिक्र करने लगे खालिद का जमाने वाले, क्या हकीकत बात खालिद साहब लिख गए अपने बारे में, कि जिक्र करने लगे खालिद का जमाने वाले, इसकी पहचान बना जिक्र जो आका तेरा, इसकी पहचान बना जिक्र जो आका तेरा। खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी के खुसूसी प्रोग्राम से अपने मेज़बान सहर आज़म को दीजिए इजाज़त। आइंदा प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मैं तेरे कुर्बान हूँ मोहम्मद।